हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट आज हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट नाइन करेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टोटल एट पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं क्लास uh, वन में हमने किया था मतलब पार्ट वन में हमने किया था कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन कि कंप्यूटर के क्या क्या बेसिक्स हैं और एप्लीकेशंस की कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है पार्ट टू में किया था जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर कि कितनी जनरेशंस हैं कंप्यूटर की पार्ट थर्ड में किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से टाइप्स हैं कंप्यूटर के जैसे एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड बेसिस सुपर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर और भी टाइप्स हैं पार्ट फोर में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की थी और साथ में इनपुट uh, डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट फिफ्थ में हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट सिक्सथ में हमने सीपीयू को डिस्कस किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का जो होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट सिक्स में पार्ट सेवन में हमने मेमोरी मेमोरी को introduction, की इंट्रोडक्शन की थी साथ में हमने कैश मेमोरी को डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी को और सेकेंडरी मेमोरी को नेक्स्ट uh, पार्ट में पार्ट एट्थ में हमने रैम और रोम को डिस्कस किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी इनको डिस्कस किया था जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और इन्होंने जिन्होंने ये पार्ट्स नहीं देखे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट्स नहीं देखे प्लीज़ पिछले पार्ट्स आप चेक आ, देख सकते हैं और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाल रखी हैं नेटवर्किंग के टोटल एट पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम आप प्लेलिस्ट में जाके आप नेटवर्किंग की क्लासेस को भी देख सकते हैं लेट्स आवर पार्ट नाइन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स दैट इज मेमरी यूनिट्स मेमरी यूनिट्स बेसिकली होता क्या है मैमरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा डाटा को मेजर करने के लिए डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमरी को यूज़ किया जाता है मेमरी यूनिट्स को यूज़ किया जाता है मेमरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा ये वो अमाउंट है डाटा का दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट जो स्टोरेज यूनिट में डाटा हमारा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है स्टोरेज यूनिट में उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स में बाइट्स में इनको एक्सप्रेस करते हैं द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स इसको क्या कहते हैं मेमोरी यूनिट राइट सम कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी हैं बिट बाइट और भी हैं पहले हम इनको डिस्कस करते हैं बिट क्या होती है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की दी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम ए बिट ये बिट से स्टार्ट होती है बिट इज़ स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है किसकी कंप्यूटर की टू मीजर डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी जो डाटा स्टोर होता है मेन मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में जो बिट है कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ जीरो एंड वन नेक्स्ट आता है बाइट बाइट क्या है इट इज फंडामेंटल यूनिट ये फंडामेंटल यूनिट है टू मीसर डाटा डाटा को मीसर करने के लिए इट कंटेन्स एट बिट्स एट बिट ही कंटेन करता है और इज इक्वल टू एट बिट्स एट बिट के एक होता है दस अ बाइट कैन रिप्रेजेंट टू इंटू एट और टू फिफ्टी सिक्स वैल्यूज ये इसकी इतनी वैल्यूज होती हैं मतलब स्मॉलेस्ट यूनिटों की बिट इससे बड़ी होगी ये बाइट बाइट में एट बिट्स होती हैं यानी कि वन बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स ऐसे पेपर में आ सकता है क्वेश्चन यानी कि वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट्स क्लियर नेक्स्ट आता है थर्ड किलोबाइट किलोबाइट किलो क्या कंटेन करता है वन जीरो टू फोर बाइट्स मेगाबाइट मेगाबाइट मेगा क्या कंटेन करता है वन जीरो टू फोर देन गीगाबाइट गीगाबाइट क्या कंटेन करता है वन जीरो टू फोर एंड टेराबाइट क्या कंटेन करता है वन जीरो टू फोर राइट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सबसे पहले क्या आएगी बिट देन आएगा बाइट सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे किलोबाइट, फोर्थ नंबर पे मेगाबाइट, फिफ्थ नंबर पे गीगाबाइट, सिक्स्थ सिक्स नंबर पे टेरा बाइट राइट क्लियर हुआ यू हैव टू लर्न इन दिस ऑर्डर अब भी देखो आप ये टेबल एक्सप्लेन करते हैं मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स की क्या क्या है सबसे पहले हम बिट को डिस्कस करेंगे बाइनरी डिजिट होती है बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल ज़ीरो एंड वन रिप्रेजेंट्स ए पैसिव और एन एक्ट स्टेट ऑफ ए कंप्यूटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट राइट जीरो और वन की फॉर्म में होता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है राइट right? मगर यहाँ बाइनरी डिजिट लिखा है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे लॉजिकल ज़ीरो एंड वन पैसिव और एक्टिव स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ एन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है नेक्स्ट आता है निबल निबल क्या है ग्रुप ऑफ फोर बिट्स इज कॉल्ड निबल मतलब वन निबल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स वन निबल इज इक्वल्स टू फोर बिट्स वन निबल किसके इक्वल होता है फोर बिट्स राइट देन आता है बाइट बाइट क्या होता है ए ग्रुप ऑफ एट बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट मतलब वन बाइट इज इक्वस टू हाउ मेनी बिट्स एट बिट्स यानी कि वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं एट बिट्स अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है विच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा आइटम और ए करैक्टर इसमें कोई भी हम डाटा स्टोर करके सक करके रख सकते हैं या कोई भी करैक्टर क्लियर देन आता है वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड अ कंप्यूटर वर्ड लाइक से बाइट ये भी वर्ड बाइट की तरह होता है कंप्यूटर वर्ड्स लाइक ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ फिक्सड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज ए यूनिट ये प्रोसेस करता है वर्ड एज ए यूनिट विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये वेरी करता है बट इज़ फिक्सड फॉर ईच कंप्यूटर पर हर एक कंप्यूटर के लिए ये क्या होता है फिक्स्ड होता है क्या वर्ड कंप्यूटर वर्ड राइट देन लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर वर्ड इज़ कॉल्ड ए वर्ड साइज जो लेंथ होती है कंप्यूटर वर्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है उसे क्या कहा जाता है और वर्ड साइज वर्ड साइज कहा जाता है और वर्ड की लेंथ कि इसका साइज क्या है इस वर्ड की वर्ड का और इसका लेंथ क्या है वन ऑफ द सेम थिंग इट मे बी एज स्मॉल एज एट बिट्स एट बिट्स सबसे छोटा क्या um, क्या होता है सबसे छोटा साइज कितना होता है एट बिट्स और मे बी एज लॉन्ग एज स्टोर सिक्सूट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स राइट देन आता है दिस टेबल शोज द लिस्ट ऑफ सम हायर स्टोरेज यूनिट्स हमने बेट और बाइट के बारे में डिस्कस किया यह है कुछ इससे ज्यादा हाई स्टोरेज यूनिट्स हैं कौन कौन से हैं kilobyte 1 वन is equals इज़ how many हाउ मेनी बाइट्स इज़ वन जीरो टू फोर बाइट्स वन many kilobytes इज़ 1024 टू हाउ मेनी किलो इज़ वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स दैन वन गीगा यानी कि वन जी बी इज़ इक्वस्ट टू हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज़ वन जीरो टू फोर एंड देन वन टी बी तेरा बाइट इज़ इक्वल्स टू हाउ जी गीगाबाइट बाइट जी बी इज वन जीरो टू फोर गीगा बाइट एंड वन पी इज इक्वस टू वन जीरो यानी कि 1 पीटा बाइट इज इक्व टू 1.024 टेरा बाइट राइट ये इसे सबसे ज़्यादा highest स्टोरेज यूनिट है कौन सी पीटा बाइट राइट right? आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे इस चैनल की पीडीएफ चाहिए वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और सिंपली आप सर्च कर सकते हैं डीसीएस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको लिंक डीसीएस स्टडी पॉइंट मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं उधर आपको सारी वीडियोज़ की पी अवेलेबल होंगी राइट आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू